ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 के बारे में रुद्राक्ष की महिमा के बारे में क्या वर्णन है। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष को मध्यम श्रेणी का माना जाता है और चने के आकार के बराबर रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो इतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष आवश्यक बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। ये संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोकों में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला और कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने गोल मजबूत मोटे कांटेदार रुद्राक्ष अर्थात जो छोटे छोटे दाने वाला रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्ति दायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो इन 5 आकार के रुद्राक्ष का त्याग करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया जाता है वह मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सिर पर ईशान मंत्र से कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तथा गले में रुद्राक्ष ओम नमः शिवाय मंत्र करके पहनने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता है। रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जपने से करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधना सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म का स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नरहत्या का पाप छूट जाता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को काल अग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। ये सर्व कामना पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधे हाथ में धारण करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप होता है। इसे धारण करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मरने के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनियों का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी देवी मानी जाती हैं। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्य के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को विश्व देवों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से सौभाग्य तथा मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत पिशाच डांकनी साकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं और भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलें।